लखनऊ पुलिस कमिश्नर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ दिए गए निर्देशन में डीसीपी उत्तरी कासिम आब्दी और एडीसीपी उत्तरी अभिजीत और शंकर व एसपी अलीगंज विजयराज सिंह नेतृत्व में जानकीपुरम प्रभारी छत्रपाल सिंह व उत्तरी जोन क्राइम टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जानकीपुरम पुलिस व उत्तरी जोन क्राइम टीम द्वारा 7 नफर शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के पास से 3 बैटरी रिक्शा, 4 एंड्रॉइड फोन, 3 कीपैड फोन, 1 आधार कार्ड और 9,000 रूपए नकद तथा 1 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर तथा अवैध तमंचा, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर व कुछ अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त गढ़ों द्वारा लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर सुनसान रास्ते पर राहगीरों को रोककर बल प्रयोग कर राहगीरों के पास से जबरदस्ती कर सामान मौजूद लूटकर घटना के घटित कारित की जाती है। उन्हें मुखबरी का खास सूचना पर प्रभारी जानकीपुरम निरीक्षक छत्रपाल सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, उप निरीक्षक कृष्णकांत सिंह, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार जानकीपुरम, उप निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्राइम टीम प्रभारी डीसीपी उत्तरी व उप निरीक्षक चंद्रकांत यादव, सर्विलांस प्रभारी डीसीपी उत्तरी की अहम भूमिका रही। डीसीपी उत्तरी एसएस कासिम आब्दी द्वारा शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि इनका सुनसान जगह पर ले जा करके इनका ई रिक्शा इनसे छीन लिया गया। इस संबंध में थाना जानकीपुरम में अभियोग पंजीकृत किया गया। तभी से हमारी क्राइम टीम, सर्विलांस की टीम और थाना जानकीपुरम की टीम लगी हुई थी। सुरागरसी पतारसी से आज इसी क्रम में 7 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है जिनका नाम है जावेद, सलमान, तालिब, आदिल, समीर, विशाल चौरसिया और जीशान। ये सभी 7ों लोग एक गिरोह बना करके ये काम करते हैं और सुनसान जगहों पर ये लोग लूट की, स्नैचिंग की, छिनैती की, चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। टोटल 8 मुकदमों का अनावरण हुआ है अलग अलग थाना क्षेत्रों के, जिसमें जानकीपुरम, इंदिरा नगर, मणियाओं, अलीगंज और सैरपुर के मुकदमों का सफल अनावरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो इनके पास से बरामदगी हुई है इसमें 3 ई-रिक्शा, 8 अदद बैटरी, 4 कीपैड वाले फ़ोन और 3 स्मार्टफोन्स। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 देसी पिस्टल और एक नाजायज़ तमंचा भी इनके पास से बरामद किया गया है। जो इनका गैंग लीडर है जावेद, इसका सगा भाई है सलमान, ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी ये लोग बंथरा में 2022 में एक डीसीएम में पान मसाला की लूट हुई थी, उसमें भी ये लोग का नाम आया था। ये लोग जेल गए थे और ये लोग छात्र के अपराधी हैं। ये लोग मुख्यतः ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि ज़्यादा रेजिस्ट न कर पाएँ, फिर इनको बंधक बनाते हैं, इनको मारते पीटते हैं और इनका जो भी सामान होता है उसको लूट लेते हैं। हमारी टीम ने इसका सफल अनावरण किया है और इनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिस टीम ने ये काम किया है, थाना पुलिस और क्राइम टीम, इनको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम घोषित किया जाता है। अभी इनके गिरोह में अभी कितने लोग शामिल हैं इनकी गिरफ्तारी? अभी जैसा मैंने बताया है, अभी जो हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी इसमें ये 7 लोगों का नाम आया था जिनके ऊपर जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। आगे क्योंकि ये लोग एक पेशेवर अपराधी हैं, सलमान और जावेद, इन दोनों के विरुद्ध 4-4 मुकदमे ऑलरेडी इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त जो विशाल चौरसिया है इसका भी आपराधिक इतिहास है और समीर का भी आपराधिक इतिहास है। इन लोगों के विरुद्ध अन्य जनपदों में कौन कौन से मुकदमे हैं, अन्य जनपदों में इनकी क्या एक्टिविटी रही, इसमें कुछ सीतापुर के भी रहने वाले हैं, तो हम लोग अभी इसके बारे में पता कर रहे हैं। जैसा भी हम लोगों को पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में, जो जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में